वेलकम टू अक्कड़ बक्कड़। मैं हूँ रीति भाटिया। गाइस, हम लोग अभी रिसेंटली फैमिली के साथ गए थे ऋषिकेश एंड इट वाज वंडरफुल। सो वी शॉट सम नाइस वीडियोस देयर एंड हम आपके लिए लाए हैं ऋषिकेश का व्लॉग। सो स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स। ऋषिकेश इज अ ब्यूटिफुल प्लेस लोकेटेड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ऋषिकेश हरिद्वार से और देहरादून से बहुत पास है एंड आप बाय रोड बाय ट्रेन आराम से ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण को मारने के बाद यहाँ पे तप किया था एंड तभी इसे तपोभूमि या देवभूमि भी बोला जाता है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं ऋषिकेश। तो हम लोग दिल्ली से सुबह सुबह अपनी न्यू क्रेटा ऑटोमेटिक में सामान लोड करके निकल पड़े ऋषिकेश के लिए। रास्ते में ब्रेकफास्ट के लिए कोई बहुत ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस नहीं है, बट एक डिसेंट रेस्टोरेंट है द चीतल ग्रैंड, तो वहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके। अक्कड़ बक्कड़ टीम, आप उठ के आए हो? अरे बुलाओ बाप जी किसी को। उठे थे सुबह? ये देखिए कैसी सुबह, तुमने बताया आपकी गाड़ी कहाँ पड़ी। देन वी रीच हरिद्वार। हरिद्वार में हम लोगों ने गंगा स्नान किया एंड फिर वहाँ से आगे बढ़े ऋषिकेश के लिए। टोटल दिल्ली से कुछ 5-6 आवर्स में हम ऋषिकेश पहुंच गए एंड वी चेकड इन अ रिजॉर्ट जिसका नाम था इजान्या महायाना रिजॉर्ट। हमने रिव्यूज़ पढ़ के बुक करवाया था बट अनफॉर्चुनेटली ये काफ़ी ओकेश था एंड इतना अच्छा नहीं था। कुछ चीज़ें अच्छी थी लाइक व्यू काफ़ी अच्छा था एंड पीछे रिवर की एक स्ट्रीम जा रही थी। वहाँ हमने काफ़ी फन किया एंड मौसम बहुत अच्छा था, तो ओवरऑल इट वॉज डिसेंट। रिजॉर्ट में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद हम लोग शाम को कैफ़ेज़ के लिए निकले। गाइस, ऋषिकेश में काफ़ी अच्छे रूफ टॉप कैफ़ेज़ बने हुए हैं जहाँ पे आप आराम से गंगा का व्यू लेते हुए रिलैक्स कर सकते हैं एंड अपने फेवरेट सैंडविचेस पिज़्ज़ाज एंड शेक्स ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ बहुत सूदिंग म्यूज़िक चलता है, काफ़ी मज़ा आया। वन इवनिंग आपको कैफ़े में ज़रूर स्पेंड करनी चाहिए। हेलो, फोटो नहीं है वीडियो। हाउ आर यू? इंडियन खाना भी है। ये गुड टाइम्स। स्नैक्स भी खा सकते हो, स्नैक्स में सब कुछ है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम काफी एक्साइटेड थे बिकॉज हमें जाना था वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट्स में, दैट इज अलोहा ऑन द गैंजेस। गाइस, ऋषिकेश में बहुत सारे रिजॉर्ट्स हैं और हम वन ऑफ द बेस्ट रिजॉर्ट्स में रह रहे हैं ऋषिकेश के, जिसका नाम है अलोहा ऑन द गैंजेस। जैसे आप देख रहे हैं मेरे पीछे है गंगा नदी, देखिए वहाँ पर राफ्टिंग हो रही है। यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जैसे कई ट्रैकिंग और बहुत सारे। तो हम अलोहा पहुंचे एंड वाओ, क्या सही रिजॉर्ट है, क्या सही व्यू था, इट वाज अमेजिंग। यहाँ पे आपको होटल रूम भी मिलता है एंड टू रूम फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट भी मिलते हैं। होटल रूम्स आर एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव बट अपार्टमेंट्स आपको एयरबीएनबी पे मिल जाते हैं एंड आई वुड से अपार्टमेंट्स का व्यू इज ऑसम। आपको अपनी बालकनी से गंगा का पूरा व्यू दिखता है। हाय गाइस, आपको तो पता ही है कि हम हैं ऋषिकेश में, तो व्यू देखो क्या सुंदर व्यू है। नीचे गंगा नदी है और लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं जो बहुत फेमस है यहाँ पे। तो दिया, आपने करी रिवर राफ्टिंग? आपने करी रिवर राफ्टिंग? नहीं। क्यों? मैंने नहीं करी। क्या कर रहे हो दोनों? स्विमिंग। ओह वाओ, दिया
और ये बहुत ठंडा है। मैं दोपहर को गई थी, ये तो बहुत बहुत ठंडा था। और वहाँ देखिए व्यू। नीचे रिजॉर्ट में ग्राउंड फ्लोर पे पेशियो है, यानी ओपन एरिया। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस विद अ वंडरफुल व्यू ऑफ गैंजेस एंड हिल्स, एंड स्विमिंग पूल भी है, व्हिच इज ऑसम। यहाँ हाई टी भी होती है इवनिंग में, एज यू कैन सी स्नैक्स एंड टी आर सर्व्ड हियर एंड इट्स अमेजिंग टू बी हियर। तो यहाँ से हाई टी लेने के बाद हम लोग निकले परमार्थ आश्रम के लिए, जहाँ की गंगा आरती काफी पॉपुलर है। एंड गाइस, इट वाज सो अमेजिंग एंड रिलैक्सिंग। छोड़ दो छोड़ दो, रुक चाय हाथ छोड़ दो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? हम पानी में मजे कर रहे हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, जिसके लिए ऋषिकेश फेमस है, दैट इज रिवर राफ्टिंग। सुबह सुबह मम्मा पापा रिवर राफ्टिंग के लिए गए एंड उन्होंने अपना ऑसम एक्सपीरियंस बताया। अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो रिवर राफ्टिंग ज़रूर कीजिए, इट्स वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड अगर आप इंस्ट्रक्शंस अच्छे से फॉलो करो तो ये सेफ भी है। नेक्स्ट मॉर्निंग वी वेंट टू एन एरिया जिससे नीम बीच बोला जाता है। यहाँ पे बिल्कुल बीच वाली सैंड है यहाँ पे, एंड यहाँ पे बैठ के बस गंगा की आवाज़ सुनो एंड रिलैक्स करो एंड राफ्ट्स को देखो। यहाँ मैगी, कोल्ड ड्रिंक सब मिलता है। आई होप आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ सब